हमारे समाज में किसी न किसी तरह से रोज नारियों का शोषण हो रहा है, इसलिए आज हम इस वीडियो में ऐसी ही नारी यौन शोषण के कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार एक पिता ने अपनी पुत्री को ही कई पुरुषों से संबंध बनाने के लिए विवश कर दिया था। तो आइए जानते हैं नारी यौन शोषण की यह पौराणिक कथा। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र सदा ही पारदर्शी रहे हैं। पौराणिक काल के लेखकों ने समाज में व्याप्त किसी भी बुराई को छुपाने की कोशिश नहीं किया है। उन्होंने अपने लेख के माध्यम से आम जनमानस को आईना दिखाने की कोशिश किया है। इसी कड़ी में चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री माधवी से जुड़ी एक कथा महाभारत के उद्योग पर्व में पढ़ने को मिलती है, जिसके अनुसार ययाति ने अपनी पुत्री को कई लोगों से संबंध बनाने को विवश कर दिया था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में महर्षि विश्वामित्र का गालव नाम का एक शिष्य हुआ करता था, जो बहुत ही निर्धन था। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब गालव की शिक्षा पूरी हुई तो विश्वामित्र ने उसके गरीबी के कारण उससे गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया। यह बात गालव को अच्छी नहीं लगी और वह अपने गुरु से गुरु दक्षिणा की जिद करने लगे। गालव को बार बार गुरु दक्षिणा की बात कहने पर विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में गालव से गुरुदक्षिणा के रूप में 800 श्याम वर्ण के घोड़े मांग लिए, जो बड़े ही दुर्लभ थे। गुरु की इस बात को सुनकर गालव प्रसन्न हो गया और महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर आश्रम से श्याम कर्ण घोड़े की खोज में निकल पड़ा। महर्षि के आश्रम से निकलने के बाद गालव सहायता हेतु वह अपने मित्र गरुण जी के पास गया और गरुण से बोला, हे मित्र, मेरे गुरु विश्वामित्र गुरुदक्षिणा के रूप में मुझसे 800 श्याम वर्ण के घोड़े की मांग की है। कृपा कर यह बताओ कि यह घोड़ा कहाँ मिलेंगे। अपने मित्र गालव की बात सुनकर गरुण जी बोले, हे मित्र, ऐसे घोड़े के लिए हमें सबसे पहले प्रतिष्ठानपुर के राजा ययाति के पास चलना चाहिए, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको यह बता दें कि उन दिनों महाराज ययाति सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। गरुण के कहे अनुसार गालव गरुण को साथ लिए राजा ययाति के पास पहुंचे और उन्हें सारा हाल बता दिया। गरुण और गालव की बातें सुनकर राजा ययाति पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। जैसा कि गालव और गरुण समझते थे, कई राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने के कारण राजा का राजकोष खाली हो चुका था। लेकिन कुछ देर विचार करने के बाद ययाति ने गरुण से कहा, हे पक्षीराज, इस समय मेरे पास मेरे राजकोष में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं धन या श्याम कर्ण के घोड़ों को दान में नहीं दे सकता हूँ, परंतु मैं त्रिलोक की सुंदरी अपनी पुत्री माधवी को आपको समर्पित कर सकता हूँ। अगर आप दोनों को मेरी पुत्री स्वीकार हो तो बताइए। राजा ययाति की बात सुनकर गालव और गरुण ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद राजा ययाति ने अपनी पुत्री माधवी को गालव के हाथ में समर्पित करते हुए बोले, हे ऋषि कुमार, मेरी यह पुत्री दिव्य गुणों से सुशोभित है और मेरी पुत्री माधवी को यह वरदान है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और पुत्र जन्म के बाद पुनः चिरकुमारी हो जाएगी, इसलिए इसे अपने साथ ले जाइए और आपसे प्रार्थना है कि अपना कार्य पूर्ण करने के उपरांत आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। राजा ययाति के मुख से ऐसी बातें सुनकर गालो मन ही मन सोचने लगा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न सुंदरी कन्या के बदले कोई भी राजा अपना राज्य तक दे सकता है, फिर 800 श्याम कर्ण घोड़े ही क्या हैं? कुछ देर बाद गालव और गरुण माधवी को संग लेकर ययाति के राजमहल से निकल पड़े और वहां से सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्यशु के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर गालव ने हर्यशु को अपनी सारी बातें बताई। गालव की बात सुनकर राजा हर्यशु ने कहा, हे ऋषि पुत्र, इस समय तो मेरे पास केवल 100 ही श्याम कर्ण के घोड़े हैं। फिर राजा हर्यशु ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुण को यह सलाह दिया कि आप मेरे ही समान अन्य राजाओं से माधवी के बदले में श्याम कर्ण अश्वों के प्राप्ति का उपाय करें। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्र की उत्पत्ति चाहता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी यह शर्त स्वीकार नहीं है तो आप लोग दूसरे राजा के पास जा सकते हैं।
इधर दूसरा कोई उपाय न होने के कारण गालव और गरुण ने अयोध्यापति हर्ष की बात मान लिया और माधवी को अयोध्या में छोड़ दिया। फिर समय पूर्ण होने पर माधवी ने राजा हर्ष के सहयोग से वसुमना नाम का एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर अयोध्या के राजाओं में परम प्रतापी सिद्ध हुआ। अयोध्या से निकलने के बाद गालव और गरुण काशी के राजा देवदास के पास पहुँचे, जहां गालव और गरुण के अनुरोध पर वह भी अपने 200 श्यामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी से पुत्र प्राप्त करने के लोभ को ना रोक सके और काशीराज देवदास को नियत समय में माधवी के संयोग से प्रतर्दन नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बाद में काशीराज का कुल उद्धारक ही नहीं बल्कि परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ। काशी से निकलने के बाद गालव और गरुण माधवी को साथ में लेकर भोजराज उसी नगर के यहाँ पहुँचे, जहां गालव और गरुण के प्रार्थना पर राजा उसी नगर ने भी त्रिलोक सुंदरी माधवी के सहयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने उन दुर्लभ अश्वों को गालव को सौंप दिया और भोजराज का यह तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों में वर्णित है। इधर तीन पुत्रों को जन्म देने के बाद माधवी का रूप यौवन पहले जैसा ही बना रहा। गालव को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब 200 अश्व शेष रह गए थे और गालव द्वारा विश्वामित्र की दी हुई अवधि भी समाप्त होने वाली थी, एवं गालव और गरुण को यह ज्ञात हो गया था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण घोड़ों के सिवा कोई भी ऐसा अश्व नहीं है। इसलिए गालव 600 अश्वों और त्रिलोक सुंदरी माधवी को लेकर गरुण को साथ में लेकर विश्वामित्र जी के पास पहुँचे और शेष 200 घोड़ों में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, हे गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर उपस्थित 600 श्यामकर्ण घोड़ों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब धरती पर ऐसा एक भी घोड़ा नहीं बचा है, अतः मेरी प्रार्थना है शेष 200 घोड़ों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालों की प्रार्थना का समर्थन गरुण ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर लिया और माधवी के साथ संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और फिर माधवी के बदले राजाओं से प्राप्त उन 600 श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों के बाद माधवी ने गालों को गुरु के ऋण से मुक्त कर दिया। फिर वह अपने पिता राजा ययाति के पास वापस चली गई। उसके अनंत रूप यौवन में चार पुत्रों के जन्म के बाद भी कोई कमी नहीं आई थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों के उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका विवाह करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी भी पुरुष से विवाह करने से मना कर दिया और वैराग्य का रूप धारण करके वह तपोवन में चली गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और अपना विचार कमेंट के माध्यम से बताएं। और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे अध्यात्म गुरु यूट्यूब परिवार से। मित्रों, लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।